पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा के समीप स्थित कस्बा से लापता युवक पाकिस्तान से मिला है। करीब 15 महीने के बाद उसकी घर वापसी हुई है। उसके लौट आने से परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं है। लापता युवक की तलाश में स्थानीय पुलिस ने पुंछ जिला सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कहीं से भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। पूरी जानकारी के लिए बता दें कि पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा से सटे गांव कस्बा का एक 37 वर्षीय युवक मोहम्मद जावेद पुत्र नजीरुद्दीन दिसंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया। उसकी गुमशुदी की रिपोर्ट परिजनों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में करवा दी। स्थानीय पुलिस ने उक्त युवक की खोजबीन के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन कहीं से भी लापता युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हाल ही में पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से भारतीय सेना को सूचित किया गया कि पुंछ जिला का रहने वाला एक युवक उनके इस पार आ गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि जल्द ही उससे पूछताछ और सारी औपचारिकता पूरी करने के उपरांत उसे वापस भेज दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा। आज दोपहर को पाकिस्तानी रेंजर और भारतीय सेना के अधिकारी पुंछ जिला में LOC में बने चक्का दा बाग इलाके में मिले। दोनों ओर से तमाम औपचारिकता पूरी करने के उपरांत युवक को पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय सेना के हवाले कर दिया और फिर उसके बाद उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुंछ से संजीव शर्मा की रिपोर्ट।